नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देसी रियासतों के भाग दो में 1947 के पश्चात भारत का राजनीतिक एकीकरण। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव अंग्रेजी प्रांतों में पड़ा किंतु रियासतों में नहीं, क्योंकि वो आंतरिक रूप से स्वायत्त थे, मतलब खुद की उनकी चलती थी। किसी भी प्रिंसली स्टेट की प्रजा वहीं की प्रजा थी और स्थानीय शासक सभी आंतरिक मामले तय करता था। किंतु ब्रिटिश प्रांत में था, ब्रिटिश प्रांत में या तो केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार थी, उसमें कुछ हद तक समानता थी। यहाँ के नागरिक ब्रिटिश प्रजा थे। कहने का मतलब, जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी प्रजा उन राजाओं की प्रजा थी, वहाँ पे ब्रिटिश कानून नहीं चलता था, ये कहने के लिए था। ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इन राजाओं को इतना दबा देते थे टैक्स देने के लिए, और उनकी सेना, उनके यहाँ जो सेना तो थी नहीं, वो जो सेना थी वो भी अंग्रेजों की सेना थी, उनकी पेमेंट करना सब कुछ, राजा के पास कुछ बचता ही नहीं था। और बुरा कौन बनता था? अब वो टैक्स ले रहा है आम आदमी से, तो आम आदमी के लिए बुरा राजा बनता था। डायरेक्टली पूरा जोर उन्हीं का था, अंग्रेजों का। ये तो बस अपना इतिहास छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। और जो जिन पे अंग्रेजों का, जिस जगह पे अंग्रेजों का पूरा अधिकार था, वो हम जैसे उनका अधिकार कानपुर में था, तो कानपुर की जो प्रजा थी वो ब्रिटिश नागरिक हो गए, वो ब्रिटिश नागरिक कहलाते थे, ब्रिटिश प्रजा कहलाते थे, ये कहने का मतलब। 1920 में नागपुर अधिवेशन का कांग्रेस प्रस्ताव में राजाओं से अपील हुई कि वो रियासतों में जिम्मेदार सरकार बनवाए, किंतु कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि राज्यों के नागरिक कांग्रेस की सदस्यता का इस्तेमाल कुछ मांगने हेतु नहीं कर सकते रियासतों से, उन्हें रियासत में प्रजामंडल बनाना होगा। 1934 ईस्वी में गांधी ने हस्तक्षेप नहीं करने का रुख दोहराया, किंतु राजाओं से निवेदन किया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दें। यहाँ पे राजा बुरा बन रहे थे। अब उनको तुम राजाओं को दबाया जा रहा था कि तुम करो, जो अच्छे थे कोई ना कोई तिगड़म लगा के अपने लोगों से कम लेके ब्रिटिश सरकार को दिखा देते थे कि हमारे पास इतनी दिक्कत है, हमारे पास कम लोग हैं, जो भी लोग हैं इस बार कम उगा है खेत में, वो लगान देने में सक्षम नहीं है, तो किसी ना किसी तरह से बहका देते थे। और जो बुरे थे वो क्या करते थे, बिल्कुल खून चूसने पे आतुर हो जाया करते थे, तो राजाओं की तो छवि खराब हो ही रही थी। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जब गांधी जी ने हस्तक्षेप करने का रुख नहीं अपनाया, उन्होंने मना कर दिया कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा उसमें उनकी प्रजा के और राजा के बीच, किंतु राजाओं से निवेदन किया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दें। इसका मतलब कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था इस वजह से, लेकिन इससे ज़्यादा तो ब्रिटिश वालों से हो रहा था, ब्रिटिश जहाँ पे राज करते थे वहाँ पे ज़्यादा हो रहा था। जहाँ ब्रिटिश प्रांतों के नागरिक कुछ आधुनिकीकरण से लाभ पा रहे थे, शिक्षा, परिवहन, संचार इत्यादि, ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे थे, जहाँ पे ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे थे वहाँ पे उनको शिक्षा मिल रही थी, परिवहन मिल रहा था, संचार जैसी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन देसी रियासतों में नहीं मिल रही थी। ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रांत तो वहाँ पे थे ना जहाँ पे उनको फ़ायदा था, नहीं तो राजाओं के अंडर छोड़ते ही नहीं किसी हालत में उस जगह को। और बस, लेकिन इतिहासकारों ने लिख दिया कि राजा खराब थे, ब्रिटिश तो जहाँ थे वो हमारे लिए रेल लेके आए। भाई रेल क्यों लेके आए, उनको जरूरत थी रेल की, हमारा तो बैलगाड़ी से ही काम चल रहा था, हमारे पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, उनको जरूरत थी रेल की। उन्होंने रेल जो चलाई, उन्होंने अपने लिए सैनिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए, एक राज्य को दूसरे राज्य को आसानी जीता जा सके उसके लिए स्पीड चाहिए होता है, स्पीड ट्रेन से आई, तो उन्होंने रेल इस माध्यम से चलाई, इस वजह से चलाई। सामान ढोने के लिए, कितनी जल्दी किसी राज्य को लूटा जाए, उसका सामान लिया जाए और हार्बर तक पहुँचाया जाए, बंदरगाह तक पहुँचाया जाए, बंदरगाह से जहाज़ों को लादा जाए, जहाज़ों से सीधे ब्रिटेन पहुँचाया जाए, ये उनकी मंशा थी, इसलिए उन्होंने ये सब चलाया। संचार, परिवहन, शिक्षा क्यों उन्होंने दी, अंग्रेजी शिक्षा मैकाले ने क्यों शुरू करवाई, कि वो अंग्रेजों के अंग्रेज बना दे हिंदुस्तानियों को, अंग्रेज वो हमारी अंग्रेजों की तरह ही सोचने वाले लोग बन जाएं, उन्हें धर्म कर्म से कोई मतलब ना हो, किसी साथ गलत हो रहा उन्हें कोई मतलब ना, उन्हें केवल लूटना 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 होना चाहिए। तो इस तरह से पढ़ना है कि हमारी संस्कृति क्या है, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे वाला सीन, जो सही है वो पढ़ना है। जहाँ ब्रिटिश प्रांतों के नागरिक कुछ आधुनिकीकरण से लाभ पा रहे थे, शिक्षा, परिवहन, संचार इत्यादि, लेकिन रियासतें इनका विरोध ही करती थी, अंग्रेजों ने ज़्यादा दबाव ना डाला, कई रियासतें नाराज ना हो जाएं। अब 1857 तो उन्होंने देख ही रखा था, तो वो रियासतों को बचा के रखना चाहते थे कि भाई दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, जब रियासतों के पास कुछ होगा
तभी तो वो कुछ करेंगी, तुम तो सारा टैक्स ले लेते थे। हालांकि भारतीयों का शोषण सब तरफ था, वो रियासतों में अधिक था, ऐसा इन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शोषण जो भी हो रहा था वो अंग्रेजों के माध्यम से ही हो रहा था। इनडायरेक्टली अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपने लोगों से कर एक्स्ट्रा लेती है तो वो कर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की खुद की वो नहीं है, खुद की प्रभुसत्ता नहीं है, केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, तो नाम तो केंद्र सरकार का ही आएगा। तो बस वही वाला सीन, केंद्र में कौन था, अंग्रेज थे। रियासतों में नागरिकों की समस्याएं देख लेते हैं। किसान, कराधान भारी था, कर भारी था। वो क्यों भारी था, अंग्रेजों को देना था इसलिए भारी था। कई बार जबरिया श्रम था, और राजा का खुद का खर्चा तो वही था कि राजशाही है तो बस राजा बन के चलना है इतना, बाकी उसके पास क्या हक था सजा वजा देना, ये उसके लिए पैसे की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। पैसे की जरूरत कहाँ पड़ती है, सेना रखने में, और सेना तो उसके पास थी नहीं। सेना किसके पास थी, ब्रिटेन वालों के पास, तो सारा कराधान तो उसके पास जा रहा था, लेकिन नाम राजाओं का हो रहा था। कराधान भारी था, कई बार जबरिया श्रम लिया जाता था। जबरिया मतलब अब उसको अपनी ही जमीन पर जबरिया काम करा लिया, जबरन काम करा लिया गया और उसको पैसे नहीं दिए गए या पैसे बहुत कम दिए गए, पर उन्हें रियासतों से बदले में कुछ नहीं मिलता था। हस्तशिल्प कर्मी, ब्रिटेन से आयातित माल ने आजीविका छीन ली। अब तो ये ब्रिटेन ने ही किया ना, ब्रिटेन ने क्या किया, हमसे अपने हिसाब से कच्चा माल बनवाया। हमारे जहाँ पे गेहूं चावल उगते थे वहां नील उगवाई, वहां पे चाय उगवाई और उसको ले आके वहां बेचा, और हमारी जमीनें खराब कर दी। ऐसा किया उन्होंने, हमारे जंगल काटे, वहां बागान, चाय के बागान बनाए, ये सब किया उन्होंने। और हमारे यहाँ कच्चा माल अपने हिसाब से हम हमसे उगवाते थे, हमसे सस्ते में लेते थे, वहां जाके अपने यहाँ सामान बनाते थे और वापस हम उसी सामान को हमको बेच देते थे। और हमारा जो सामान जो हम बनाते थे, जो देसी हमारे लोग बनाते थे, उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा देते थे कि कोई उसे खरीद ही ना पाए। और औद्योगीकरण ना होने से नौकरियां नहीं मिली, और नौकरी नहीं मिली थी आप तो नौकरी कहाँ मिलेगी, जब राजा के पास पैसे हो गए कुछ डेवलपमेंट करने का, इन्वेस्ट करने का, तभी तो समाज की मदद कर पाएगा। मध्यम वर्ग का क्या हाल था, पुरानी पड़ चुकी शिक्षा व्यवस्था, दबा कुचला मीडिया था, मौलिक अधिकारों का अभाव था। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन ने राज्यों के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। ये जो कांग्रेस थी वो क्यों बनाई गई थी, इस पे भी हमें ध्यान रखना होगा। कांग्रेस इसलिए बनाई गई थी कि दूसरा द्वितीय विश्व, वो दूसरा 1857 की क्रांति ना हो। उन्होंने क्या किया कि हम आम आदमी की आवाज, ये दिखाएंगे कि ये आम आदमी की आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने थोड़े दिन तक तो अच्छा काम किया, उसके बाद उसने यही काम किया कि वो कैसे न कैसे जो आम आदमी की एकदम आंदोलन वाली बुद्धि थी, एक तो लॉर्ड मकाले ने किया, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अंग्रेज बनाने के हिसाब से कर दी, हमारे वेद, हमारे जो गुरुकुल चलते थे उनको धीरे धीरे बैन करना शुरू किया, कॉन्वेंट स्कूल चालू करने शुरू कर दिए, है ना, कॉन्वेंट स्कूल चालू करने शुरू कर दिए। और दूसरा कांग्रेस बाकी लोगों ने किया, उन्होंने क्या किया, हमारी जो क्रांतिकारी भावना थी उसको दबाने की कोशिश करी, हमारा देश हम अपने हिसाब से कर लेंगे ना। कांग्रेस के लोग अपनी बुद्धि लगा लगा के कुछ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वही हुआ, मेन लीडरशिप तो नहीं की थी ना उन्होंने, अंग्रेजों की बात सुनते गए, बाद में कांग्रेसियों ने खुद माना कि नहीं हमसे गलती हुई, ये चीज हमें पहले करना चाहिए था। अंग्रेजों भारत छोड़ो 1940 के बाद क्यों, 1942 में क्यों, पहले क्यों नहीं किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वही है ना, वो सोचे थे कि शांति हो जाएगा, बाद में धोखा मिला। जो चीज जब जरूरी थी तब करनी चाहिए। सफर किसने किया, एक आम आदमी ने, कांग्रेसियों का कुछ नहीं गया। बाद में सत्ता उन्हीं के हाथ में आई, नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, बनना था वल्लभ भाई पटेल, ये सीन था। आगे देखते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन ने राज्यों के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला, जो समझे एकजुट हो अधिकार मांगने के लिए। राजाओं को ब्रिटिश संरक्षण था, इसलिए आंदोलनों को दबा दिया जाता था। मेवाड़, मैसूर, त्रावणकोर, किसान आंदोलन, ये उसके उदाहरण है। प्रजामंडल का उदय, रियासतों का शहरी राष्ट्रवाद प्रजा परिषदों के रूप में उभरा। बड़ोदरा 1917, कठियावाड़ में 1921 इन्होंने वार्षिक सभाएं शुरू की। AISPC दिसंबर 1927, जब साइमन आयोग गठित हुआ, जो भारत सरकार एक्ट 1919 के निरीक्षण के लिए था, ठीक उसी समय हार्टकोर्ट बटलर भारतीय राज समिति का गठन हुआ, ताकि ऐसे तरीके सुझाए कि रियासतों और केंद्र सरकार के रिश्ते सुधरे। रियासतों के राष्ट्रवादी बलवंत राय मेहता एवं मणिलाल कोठारी जो काठियावाड़ से थे, एवं GR अभियंकर जो दक्खन के थे, ने 1927 में अखिल भारतीय राज जन सम्मेलन की स्थापना की, जिसमें 700 प्रतिनिधि पहुंचे। इनकी मांगे थी प्रशासन सुधार, सार्वजनिक वित्त
एवं शासकों के निजी व्यय का पृथककरण, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण आदि। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथककरण होना चाहिए, जो शासक है उसके निजी व्यय उसकी पेमेंट से या जो उसकी पेमेंट से होना चाहिए, ऐसा नहीं जो उसने कर लिया उसी में वो कर रहा है। प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, सार्वजनिक वित्त का लेखा जोखा होना चाहिए, ऐसा है। AISPC हमेशा सामंत विरोधी रहा पर हमेशा शाही विरोधी नहीं था, क्योंकि रियासतों के नागरिक सामंतों के सीधे अधिकार बनते थे। अब AISPC ने मांग की कि रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना जाए और गोलमेज सम्मेलन में हमें बुलाया जाए। अंग्रेजों ने मना कर दिया। AISPC ने अंग्रेजों से कांग्रेस से मांग की एक अखिल भारतीय संघीय विधान बने जिसमें सबके समान अधिकार हो। यहीं से शुरुआत थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं सामंती राज्यों को का दिशा मिलान शुरू हुआ। राजाओं की प्रतिक्रिया क्रूर थी। हैदराबाद के निजाम ने इसे एंटी मुस्लिम बताया, कश्मीर के राजा ने इसे हिंदू विरोधी बताया, त्रावणकोर बोला इसके पीछे चर्च का हाथ है। अंततः कांग्रेस के 1938 में अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों को पूर्ण स्वराज में सम्मिलित कर लिया। त्रिपुरी सत्र में 1939 में कांग्रेस ने AISPC के साथ काम करने का निश्चय किया। नेहरू 1939 में AISPC के अध्यक्ष बने। नेहरू ने बाद में AISPC के उदयपुर 1945 और ग्वालियर 1947 की अध्यक्षता की। 1945 तक स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सर्वोच्च शासन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अनेक राजा अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए ललायित हो गए। शुरुआत में तो ब्रिटिश ने आग में घी डाला, लेकिन माउंटबेटन के आते ही रुख बदल गया। रियासतें सैन्य रूप से बहुत कमजोर थीं और जन आंदोलन बहुत मजबूत। 150 वर्षों में अंग्रेजों का बना ढांचा अचानक समाप्त होना था। देश टुकड़े टुकड़े हो सकता था। विभाजन का मुद्दा मौजूद था। देसी रियासतों के भागों में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे भाग देसी रियासतों के एक और पार्ट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।